नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। सबसे पहले तो आप ये देखो कि चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस क्या बोलते हैं, क्या सिस्टम है। मैं सुनो आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सा मतलब है कि किसी भी सिस्टम को, नेचर के किसी भी सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन लगा वो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको फॉर्मेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, इसको और कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, आगे सुनो। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस का क्या मतलब हुआ? चार्जेस का मतलब ये हुआ कि देखो आपको कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें दो चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रह सके, तो आप क्या करोगे, इन्फिनिटी पर जाओगे, वहां से एक चार्ज उठा के लेके आओगे, Q1 एक ले आए, क्लियर है, आपको कोई जोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पर पहले से कोई चार्ज है ही नहीं, तो आप एक टाइप से वैक्यूम में ला के चार्ज रख रहे हो, तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप दूसरा चार्ज लेके आओगे, तो पहले वाला जो चार्ज है वो रिपेल करेगा, वो बोलेगा कि सेम नेचर का चार्ज मेरे पास नहीं आना चाहिए। अब आपको तो आर डिस्टेंस पे लाके सिस्टम बनाना है ना एक दो चार्जेस का, तो आप क्या करोगे, फोर्सफुली खुद की तरफ से वर्क डन करके उसके पास में चार्ज को लाके रखोगे। अब आप खुद से जो वर्क डन कर रहे हो उस वर्क डन को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, एनर्जी में नापा जाए, देन इट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सा मीन ये है। सबसे पहले तो ये सुनो, किसी भी चार्जेस के सिस्टम को बनाने के लिए जो आपको अपनी तरफ से वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आपके सिलेबस में पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी कि, चलो मैं आपको और बताता हूँ, इसकी आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हो। आप ये लिख सकते हो, एन चार्ज का कोई सिस्टम है, उसमें हर चार्ज को अलग अलग तोड़कर सबको इन्फिनिटी पर ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वो आपका क्या है, वो आपका एक टाइप से पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, मतलब उस वर्क डन को अगर एनर्जी में नापा जाए तो वो आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। सेम ही बात है, कैसी है सेम बात, अगर आप इन्फिनिटी से चार्ज लेके आओगे एक जगह लाला के रखोगे तो भी आपको उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप चार्जेस के सिस्टम कोई बना हुआ है पहले से, उसको तोड़ तोड़ के अगर इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो भी बात वही हो गई, पहले लाए थे अब की बार ले जा रहे हैं, तो सेम वर्क डन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही कंडीशन में वर्क डन जितना करना पड़ा, चाहे आपको चाहे सिस्टम को, जो जितना वर्क डन हुआ उस वर्क डन को अगर एनर्जी में नापा जाए तो वो आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर लिख देता हूं डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस मींस दैट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन मेकिंग ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। क्लियर, ये आपकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अच्छा, आपके जो सिलेबस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है एन चार्जेस की, वो तीन टाइप की है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं तो एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी, तीन चार्ज के एन चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये है दो तीन, तो तीनों आपको निकालनी है। मैं एक एक करके आपको तीनों आपको निकलवाऊंगा और आप अच्छे से इसको देखना। क्लियर है? ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस
सिस्टम। ठीक है, सुनो, आपको दो चार्ज है, उनका एक कोई सिस्टम बनाना है और आपको फाइंड करनी है कि इसको बनाने में कितना जोर आएगा, कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगी। अब सुनो, सबसे पहले आप इन्फिनिटी पे जाओगे, वहां से एक Q1 चार्ज उठा के लेके आओगे और यहां रख दोगे। क्या आपको कोई जोर आएगा? नेवर, कोई जोर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे पहले से कोई अट्रैक्शन रिपल्सन पैदा करने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप आराम से, आपको कोई जोर नहीं आएगा। अब आप देखो, पहले चार्ज को लाने में कितना वर्कडन करना पड़ा? जीरो। ये लिख लेना भी थ्योरी, मैं तो आराम से आपको ये मैथमेटिकल एनालिसिस बता रहा हूँ। वर्क डन इन कैरिंग फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू, वो वाला सिस्टम तुम लिख लेना। ठीक है, इतने आप समझदार हो, आई हो। अच्छा, उसके बाद आप इन्फिनिटी से दूसरा लेके आओगे Q2 चार्ज, यहाँ से उठा के यहाँ लेके आओगे, अब जोर आएगा आपको। ठीक है, और आर डिस्टेंस पे रखोगे, अब आपको कितना जोर आएगा? अब आपको जो जोर आएगा W2, वो आएगा जितना F1 ने फोर्स लगाया, जितना F1 ने आपका फोर्स लगाया और इनटू में आपका, जितना आपका, हाँ, W का दो तीन फॉर्मूले होते हैं, FDR भी होता है, QEDR भी होता है, एक QE फॉर्मूला भी होता है, ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा वैसे आसान रहेगा। तो दूसरे चार्ज को लाने में आपने कितना वर्क डन किया? पहले के कारण दूसरे को तो आप ला रहे हो, तो Q2 और इनटू में पहले के कारण अड़चने आ रही है, तो पहले का पोटेंशियल रिवर्स, यही होता है ना फॉर्मूला QV। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दूसरे में जब वर्क डन करते हैं ना, तो Q2 तो वो आएगा जिसको ला रहे हो, ठीक है, जिस चार्ज के कारण, और V वो आएगा जिसके कारण अफेक्ट हो रही है चीज़ें। तो दूसरे को तो ला रहे हो तो Q2, और इनटू में पहले के कारण चीज़ें अफेक्ट हो रही है तो इनटू में V1। अब सिंगल चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है? V1 आपको भी बताए, KQ/R, तो KQ1/R1, तो W2 आपका कितना आएगा? Q2 KQ1/R1। अच्छा, W2 की अगर आप वैल्यू रखोगे तो वो कितना आ जाएगा? KQ1Q2/R1। अब आपको टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा? अगर मैं आपको ये पूछूं कि जो Q1 है और जो Q2 है, दोनों को लाने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, तो आप बोलोगे सर जोड़ दो दोनों को। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 + W2। W1 कितना है? जीरो। W2 कितना है? KQ1Q2/R1। ठीक है, अब एक लाइन आपको लिखनी है कि किया गया वर्क डन, दिस वर्क डन, ठीक है, गेट्स कन्वर्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी तो U इज इक्वल टू कितना जाएगा? KQ1Q2/R1। आई होप यू गॉट इट, आपको इसका अच्छे तरीके से क्लियर हुआ ना। चलो, तो ये तो आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेज सिस्टम। कर लोगे ना इसको, ये अच्छे से देख लेना आप, इसको कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं।